ईश्वर अनुकूल तो सब अनुकूल, ईश्वर इच्छा से शाप भी वरदान में बदल जाता है। अर्जुन श्री कृष्ण के अत्यंत प्रिय सखा थे। अर्जुन के लिए ही श्री कृष्ण ने सारथित्व स्वीकार किया था। रण क्षेत्र में हुए अर्जुन के मोह को श्री कृष्ण ने अमर गीता का उपदेश देकर दूर किया। अर्जुन उन्हें इतना प्रिय था कि वे अत्यंत दुर्लभ विराट स्वरूप का दर्शन कराया, जिसके संबंध में स्वयं भगवान ने कहा था कि ऐसा दर्शन तेरे सिवाय पहले किसी ने नहीं किया। अर्जुन अपने श्रेष्ठ गुणों के कारण ही भगवान को इतना प्रिय था। अर्जुन का सर्वोच्च गुण था उसका पूर्ण इंद्रजीत होना। अर्जुन कभी किसी भी परिस्थिति में अपना संतुलन नहीं खो सकता था। काम क्रोध लोभ उस पर हावी नहीं हो सकते थे। एक बार इंद्र ने देवासुर संग्राम में अर्जुन से सहायता की याचना की। अर्जुन अपने शौर्य के लिए प्रसिद्ध था, उसने उत्साह एवं शूरवीरता से इंद्र की सहायता की। परिणाम यह हुआ कि असुर परास्त हो गए। इंद्र ने विजय के उपलक्ष में एक महान उत्सव किया। उत्सव में इंद्र ने अर्जुन को बहुत सम्मान के साथ आधा सिंहासन देकर अपने पास ही बिठाया। उत्सव में अनेक अवसरों का मधुर संगीत एवं सुंदर सुंदर नृत्य हुए। उत्सव की समाप्ति पर विदा के समय क्षण भर को अर्जुन की दृष्टि अप्सरा उर्वशी पर टिकी। इंद्र की नजर से यह बात छिपी नहीं रही और उनकी भोग विलासी दृष्टि ने इसका एक ही अर्थ लिया कि अवश्य अर्जुन उर्वशी के सौंदर्य पर मुग्ध हो गया है। रात्रि हुई, अर्जुन अपने शयन कक्ष में विश्राम कर रहे थे। उन्हें नींद तो थी ही कहा, वे तो शैया पर पड़े पड़े वन में भटकते अपने दुखी बंधुओं एवं द्रौपदी का चिंतन कर रहे थे। सोच रहे थे कि कब सवेरा हो और मैं अपने बंधुओं के पास पहुंच जाऊं। यकायक इंद्र द्वारा भेजी उर्वशी ने अर्जुन के शयनागार में प्रवेश किया। अर्जुन तो उसे देख दंग ही रह गए। वे उठे, उर्वशी को प्रणाम किया और ऐसे समय आने का कारण पूछा। उर्वशी बोली, मैं इंद्र की भेजी हुई आई हूँ। उनके द्वारा भेजने का कारण भी बताया। अर्जुन बोले, हे माता, इंद्र ने मेरे प्रति ऐसा विचार मन में लाकर मेरे साथ बहुत अनुचित किया है। आपको भले प्रकार याद होगा, हमारे ही पुरखा पूर्वा के साथ आपका प्रेम हुआ था। मन में उस समय यही स्मरण कर मैंने आप पर दृष्टि डाली थी और मन ही मन प्रणाम किया था। हमारे पुरखा से आपका प्रेम होने के कारण अवश्य ही आपको हमारी माता का दर्जा प्राप्त है। इंद्र का अथवा आपका कुछ भी मेरे प्रति संदेह रहा हो, मुझे विश्वास है कि मेरे इस कथन से आपकी शंकाएं दूर हो जाएंगी और इंद्र का भी समाधान हो जाएगा। अब विलंब हो रहा है, आप पधारे और आपके पुत्रवत मेरे योग्य कोई भी सेवा हो वह अवश्य बतलाएं। उर्वशी उस समय कामासक्त थी, वह अर्जुन का ज्ञानोपदेश सुनने नहीं आई थी, अतः अर्जुन की दलील का उस पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। परंतु उधर अर्जुन अपनी आस्था पर हिमालय पर्वत के समान अडिग था। काम से क्रोध उत्पन्न होता है, उर्वशी को क्रोध आ गया। क्रोधवश उसने अर्जुन को शाप दिया, जाओ तुम आज से नपुंसक हो जाओ। इंद्र को जब सारी बात मालूम हुई तो उन्हें महान दुख हुआ कि मेरे कुसमय के सहायक अर्जुन को मेरे कारण ऐसी दुर्दशा प्राप्त हुई। उन्होंने उर्वशी को प्रसन्न करके वह अपने योग शक्ति द्वारा अर्जुन के नपुंसकत्व की अवधि घटाकर एक वर्ष की कर दी। यह शाप अर्जुन के लिए वरदान सिद्ध हुआ, क्योंकि इसी काल में पांडवों को एक वर्ष का अज्ञातवास करना पड़ा था और अर्जुन ने कुमारी उत्तरा को नृत्य तथा गायन विद्या सिखाने का काम अपने ऊपर लिया था। नपुंसकत्व के कारण उनको यह काम देने में राजा को भी संकोच नहीं हुआ और निर्विकारी होकर अर्जुन दक्षता से यह कार्य संपन्न कर सके। ईश्वर अनुकूल हो तो किसी का दिया अभिशाप भी वरदान में बदल जाता है।